पूर्वी ब्यूटी एंड फैशन में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज से शुरू हो गया है रमजान का पाक महीना। आज है पहला रोजा। मुस्लिम समुदाय के बीच रमजान के महीने का बेहद खास महत्व होता है। रमजान को रमादान, कुरान का महीना और रोजे का महीना भी कहा जाता है। इस पूरे महीने में लोग रोजा रखते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। इस साल का रमजान का महीना आज से शुरू हो चुका है। इस्लामिक कैलेंडर में चांद का खास महत्व होता है और रमजान के महीने की शुरुआत चांद के दिखाई देने के बाद ही होती है। रमजान के साथ ही कई त्यौहार मनाने से पहले भी चांद देखा जाता है। बेहद खास है रमजान का महीना। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का नौवां महीना होता है, जिसे बहुत ही पाक महीना माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि रमजान के महीने में पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान की आयतें मिली थी। इसके बाद से ही इस्लाम में इस महीने में रोजा रखने की परंपरा शुरू हुई है। इस रमजान में रोजा रख कर के लोग अल्लाह का शुक्रिया अदा और इबादत करते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों को इस पवित्र महीने का बेसब्री से इंतजार रहता है। मैं डिस्क्रिप्शन में रोजे का टाइम और डेट डाल रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं कि सहरी का समय क्या है और इफ्तारी का समय क्या है। रमजान के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग पूरे एक महीने तक रोजा रखते हैं। रमजान मुस्लिम धर्म का एक मुबारक महीना है। इस्लामिक ग्रंथों के अनुसार इस महीने में मुसलमानों का प्रमुख किताब यानी कुरान भी पैगंबर मोहम्मद पर नाजिल हुई थी। इसलिए इस महीने में कुरान पढ़ना फर्ज है, यानी कुरान पढ़ना अच्छा माना जाता है। इसलिए इसे कुरान का महीना भी कहा जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।